नमस्कार। ऑफिस में अपनी अहमियत कैसे बढ़ाएं? ऑफिस में आप कहीं पे भी काम करते हो या कुछ भी कर रहे हो तो अपनी इंपॉर्टेंस कैसे बताएं लोगों को? लोग या बॉस आपको क्यों समझे कि आप उनके लिए इंपॉर्टेंट हो? ऐसा क्या करें? कार्य आपके द्वारा ऐसा होना चाहिए कि कोई भी ऑफिस में कहे कि यार आज वो नहीं आए तो आज काम नहीं होगा, उनके बिना ऑफिस नहीं चलेगा। आपकी इंपॉर्टेंस ऑफिस में ऐसी होनी चाहिए। बाकी ऐसे नहीं कि आप ऑफिस जा रहे हो, आप आ रहे हो, डेली रूटीन का वर्क कर रहे हो और बस अपना कार्य करके बस खत्म करके आ रहे हो। आप हो तो भी काम चल रहा है और आप नहीं हो तो भी काम चल रहा है। नो, नेवर, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ तो अपनी इंपॉर्टेंस क्रिएट करो ऑफिस में, कुछ तो अपनी अहमियत क्रिएट करो ऑफिस में कि यार नहीं यार, जिस दिन आप न जाओ तो उस दिन ऐसा लगे, आपके कलीग को लगे, आपके सहकर्मी को लगे, आपके बॉस को लगे और आपके पूरे स्टाफ को लगे कि यार आज वो बंदा नहीं आया। ऐसी फीलिंग कराओ अपने ऑफिस में, ऐसी अहमियत बनाओ ऑफिस में अपनी। अब आप कहोगे सर बिल्कुल सर, हम भी चाहते हैं कि हमारे ऑफिस में हमारी अच्छी इमेज हो, अच्छी इंपॉर्टेंस हो, हमारा ऑफिस में अच्छा बिहेवियर हो, लोग हमें हमारी काम की तारीफ करें और लोग हमें कहे कि यार नहीं यार उसके बिना ऑफिस सूना सूना है, उसके बिना ऑफिस अधूरा है। हम भी ये चाहते तो लोग कहते हम करें क्या? तो आपको कुछ नहीं करना, तीन चार बातें ये फॉलो कर लो। ये तीन चार बातें अपने अंदर दिमाग में बैठा लो। अगर उसके प्रति आप चलोगे, उसके प्रति आप रनिंग करोगे तो ऑफिस में आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। आपका बॉस आपके प्रति ऐसा मतलब रहेगा कि नहीं यार उसका तो ऑफिस में होना जरूरी है। आपके सहकर्मी, आपके दोस्त, आपके स्टाफ के लोग कहेंगे नहीं यार वो बंदा तो ऑफिस में आना चाहिए। तो ये चीज कर लो आप। सबसे पहले तो पॉजिटिव रवैया रखो, आप सकारात्मक सोच रखो ऑफिस में। जब भी घर से ऑफिस में जाओ तो एक फ्रेश मूड से जाना। ठीक है, घर में कभी कभी लड़े झगड़े होते हैं, घर की कुछ प्रॉब्लम होती है, सब घर पे ही छोड़ के आना। हो सकता है कि वो माइंड में टेंस रहता है, माइंड में थोड़ी बहुत होती है, लेकिन नहीं ऑफिस में नहीं। ऑफिस में हमेशा एक फ्रेश मूड से आना, एक हल्की सी मुस्कान लिए चेहरे पर आना और ऑफिस में आते ही सबको मतलब एक एनर्जेटिक कर देना, सभी जनों को एक उत्साह, उमंग और जोश से भर देना। अगर आप ऑफिस में आओगे और अगर आपका मन नकारात्मक होगा, आपका मन उदास होगा और आप सैड मूड से ऑफिस में आओगे तो आपके सारे दोस्त, आपके बॉस और सभी मतलब आपको देख के कहेंगे क्या है यार। नो नेवर, जब भी ऑफिस में आओ तो एक खिलखिलाकर ऑफिस में आओ, एक छोटी सी हंसी लेकर ऑफिस में आओ और एक पॉजिटिव थिंकिंग लेकर ऑफिस में आओ तो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग और आपकी पॉजिटिव सोच देख के सभी पॉजिटिव हो जाएंगे और आपको देखकर लोगों के लगना चाहिए कि वाओ व्हाट इज द पर्सन, तो इस बात का है मजा। सेकंड, काम के प्रति समर्पण होना चाहिए। चाहे आपका बॉस आपका वर्क दे रहा हो, आपको दे रहा हो, चाहे आपके सहकर्मी आपके साथ में वर्क कर रहे हो, आपका काम के प्रति डेडिकेशन ऐसा होना चाहिए ना कि बस देखते गए यार वह व्यक्ति काम करता है तो वर्क करता है तो वो करता है। यूं नहीं कि यार आपको कोई भी काम दिया तो बस टाइम पास करना, घड़ी देखना, हाँ यार अभी तो इतनी बजी यार, अभी तो 3 बजी है, अभी और टाइम बाकी है यार, और यार 3:30 बज गई, 4 बज गई यार, ये 5 बज गई, ऑफिस से निकलने का टाइम हो गया। समय टाइम पास मत करना ऑफिस में, अपना 100% ऑफिस में देना, वर्क में देना। आपके बॉस, आपके दोस्त, आपके सहकर्मी सभी आपको अहमियत देंगे, आपको इंपॉर्टेंस देंगे। और मैं तो ये नहीं कहता आप ऑफिस में ही काम के प्रति समर्पण रहे, आप अपने घर पर, आप अपने समाज में, आप अपने कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हो तो उसमें हर जगह पर काम के प्रति डेडिकेट रहे आप। अगर आप अपने कर्म कहते हैं ना कर्म ही पूजा, अगर आपने कर्म को पूजा माना ना तो आप कि हर जगह आपकी पूजा होगी, हर जगह आपका सम्मान होगा। जो काम चोर होता है ना उसका कहीं सम्मान नहीं होता, उसका कहीं इंपॉर्टेंस नहीं होती। पहल करें, सबसे पहले आप स्टार्ट करें।
जैसे बॉस ने कोई काम दिया तो आप खुद सबसे पहले आगे रह के पहल करें, या फिर कोई भी नया आइडिया नया दिमाग में आता है तो आप खुद पहल करें। यूं नहीं कि यार कि आप कोई विचार आया कोई आया दूसरा कह रहे कर रहे हैं या बॉस कह रहा है तब कर रहे, नहीं। कुछ ऑफिस में आपको समथिंग डिफरेंट करें, कुछ नया करें, आपको लगे यार ये कार्य होने से अपने ऑफिस की ग्रोथ हो सकती है, अपने बिजनेस की ग्रोथ हो सकती है या अपने सभी की ग्रोथ हो सकती है, उसकी पहल आप करें, इनिशिएट करें। आपके द्वारा कोई भी चीज इनिशिएट होगी ना तो लोग आपके दोस्त आपके सहकर्मी आपके बॉस समझेंगे वाओ व्हाट इज द पर्सन यार, वाओ हर चीज की पहल करता है, बिल्कुल हर कार्य में आगे रहता है, तब तो आपकी इंपॉर्टेंस वहां कायम होगी। बाकी बाकी तो क्या है, बाकी तो कुछ नहीं। अपना बिहेवियर ऐसा रखें कि सभी आपके बिहेवियर की तारीफ करें, अपने सहकर्मियों से बिहेवियर अच्छा रखें, अपने बॉस से बिहेवियर अच्छा रखें, एक मेल जोल ऐसा रखें कि एक दोस्ताना व्यवहार रखें। अगर आपका बिहेवियर आपके ऑफिस में अच्छा होगा तो सभी आपके बिहेवियर की तारीफ करेंगे और सभी कहेंगे आपके पीठ पीछे आपकी तारीफ करेंगे, वाओ व्हाट इज वाओ उसका क्या बिहेवियर है। अपना व्यवहार ऑफिस में अच्छा रखना तभी आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ पाएगी। तो ये 3-4 पॉइंट हैं जो आपको अपने ऑफिस में फॉलो करने होंगे, अगर आप ये कर लोगे तो आपकी इंपॉर्टेंस आपकी अहमियत ऑफिस में बढ़ जाएगी।